महाराज जी यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार? श्राद्ध लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव है तो। तीर्थ में जाने का लाभ है। तीर्थ क्या है? जहाँ स्वयं परमात्मा या परमात्मा को कोई कृपा पात्र भक्त उसकी तपा स्थली वही तीर्थ बने। चलिए प्रभु जी, यहाँ एक और सवाल है कि गीता के अनुसार तीर्थ व्रत तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं? देखिए, हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, कुछ रीति हैं, कुछ अनुष्ठान हैं और कुछ जो है हमारे स्मृतियों के विचार हैं। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, ये हमें गुणों से ऊपर उठाने की बात कही जाती है। हम लोग तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से हमें शुद्ध सतोगुण की ओर जाना है। अगर हमें भक्ति करनी है, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन। ये जो वेद है हे अर्जुन, ये तीनों गुणों में ही बंधे हुए हैं और तुम इन तीनों गुणों से ऊपर, निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो उसके लिए हरि नाम साधना है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा शक में कहा है, नामना मकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। हे प्रभु, आपने अपनी सारी शक्तियाँ अपने इस नाम में दे दिया है, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि नाम के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हुआ। तो कैसे संभव है? जब नियम पूर्वक हम भगवान के नाम का जप करेंगे, धीरे 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 हमारे जो अनर्थ हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये विकार हमारे समाहित हो जाएंगे। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब मन हमारा शुद्ध हो जाएगा, विमल मति हमें प्राप्त हो जाएगी, तब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त होगा। और कृष्ण के प्रेम आते ही हमारा मन स्थिर हो जाएगा और परम पूर्ण समाधि हमारी लगी रहेगी। अर्थात गीता के अनुसार यदि हम कोई तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उससे हमें लाभ अवश्य होता है। बहुत ही लाभ है। अब जैसे हमारा सबसे सुंदर तीर्थ है मथुरा वास, अगर हम वृंदावन धाम में जाए, ब्रज की रज को अपने माथे पर चढ़ाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं दर्शकों, कि अपने इस जीवन काल में ब्रज की यात्रा अवश्य करना। उस रज में जहाँ कन्हैया ने लोट पोट किया हुआ है, अपने ग्वाल बालों के साथ नृत्य किया है, कीर्तन किया है, धूल धूसरित होकर नंगे पांव चल करके पूरे पृथ्वी पर रमण किया है, उस धराधाम जो ब्रज है, जो ब्रज सरस्व धाम है, दिव्य धाम है, वहाँ अवश्य जाइए। वही तीर्थों का सबसे सुंदर तीर्थ है, वही पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी है। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है। ऊपर को जड़ वाला वो तो परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने, ये पूर्ण परमात्मा है और इन्होंने अपने ज्ञान को बताने के लिए स्वयं अपने सतलोक से यहाँ आते हैं गति करके, इसका वेद गवाह है। और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, अपने पुण्यात्माओं ज्ञान से तृप्त करते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर देव जी ने आकर कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये तना इसका अक्षर पुरुष कहो चाहे परब्रह्म कहो, और ये गुप्त है, ये परमात्मा प्रोक्ष है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, जड़ छुपी रहती है जमीन में और उससे बाहर जो दिखाई देता उसका वर्णन है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सर्वपुरुष कहो या इसको ब्रह्म कहो, सर्वब्रह्म कहो, सर्वपुरुष वाकी डार और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात्र संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये सर्वपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये देखो,
अक्सर पुरुष ये तो तना है और इसकी मान लीजिए ये डार है सरपुरुष और ये तीनों देवा शाखा है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम शिव शिव जी और पात रूप संसार। ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन यानी सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं उसकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम शिव जी शाखा है ये पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है ये परम अक्षर ब्रह्म ये जड़ है ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ओह ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा जड़ क्या है तना क्या है डार क्या है शाखा क्या है सवेदवित गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आता और जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मंडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो समझो उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया उन्होंने सारे ध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है प्रयत्न करता है वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है वो गीता ज्ञानदाता से अलग है। अब एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष ये तीन प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं और इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा पत्ते कौन है जड़ कौन है तना कौन है और डार कौन है शाखाएं कौन है पत्ते क्या है सवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं तत्व ज्ञान को बताने के लिए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जुलाहा कबीर रूप में प्रकट हुए थे। सहसरी राय थे कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया था सन 1398 में और आकर के एक नीरोनीमा नामक जुलाहे निसंतान दंपति उनको वहाँ से ले गए थे और धीरे धीरे लीला में बड़े होते रहे। 5 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और श्लोक 16-17 में जो विशेष विवरण दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को
आप देखिएगा चित्र, आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसके एक दार समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सर्ब्रह्म अर्थात सर्पुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सर्पुरुष भी कहते हैं, सर्पुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम या पात्र रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तीन भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है और हम पात्र रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जा करके हमारे ये हृदय में समावगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गुरुपुर, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, 122-123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, ये है क्रोक्षटू की ने कहा भगवान, ये सारे यही बता रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। ये ही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। स्पष्ट हो गया, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। रजगुण कहो, सतगुण कहो, तमगुण, ये तीनों देवता कहो चाहे तीनों गुण कहो। और देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका से भाग एक, ये कहाँ से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे स्कंद में, ये देखिएगा अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, इसके 11 पृष्ठ पे। और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद, इसका 8वां श्लोक, हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। फिर देखिएगा अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक, यदि दया धर्मनान सदा पी के कथम अहम विहित है, शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण है कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, सो भीत किमो सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और मार्कंडे पुराण में आपने क्लियर सुन लिया कि यही तीन देवता हैं, आप स्वयं पढ़ा, और यही तीन गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 को समझना अति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत
जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। अध्याय नंबर 15 पंथ दस अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है, और छंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं भाग हैं विभाग हैं, ये तम वेद जो इसको जानता है स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध्य शाखम, इन्होंने यहाँ गलत किया है, ब्रह्मारूप शाखा मुख्य शाखा वाले ये गलत किया है, ये अध्य माने नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अध्य माने नीचे किया है, अध्य माने नीचे, अध्य माने नीचे, तो यहाँ भी अध्य माने अध्य शाखम प्रथम मंत्र में, अध्य माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध्य माने नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो साथ जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़तें लेकर पत्तों तक बता देगा, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ दूसरे में कहा है उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी तीनों शाखाएं हैं, विषय पर वाला शाखा विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली, मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्मानुसार उनको ये सब देते रहते हैं, नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल में और पृथ्वी, तीन लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊँगा, यहाँ नहीं, मैं नहीं बता सकता संसार के इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले ये गलत लिखा है, यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा और उसका लोक तो अविनाशी लोक है, वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्रेण इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर, अब चौथा श्लोक 15वें अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपुण आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता, तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, वो है वास्तव में परम गति जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्मा यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुतम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सर्वपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये पेड़ है, समझो तना तना, और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सर्वपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और मूल भगवान जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं जो 7 संग ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको, अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि ये 7 लोक हैं और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां हैं, ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्म लोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सर्वपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे हैं, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक, ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना, ये देखिए। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं, एक स्थान पर यह स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये शावत्री रूप में रखता है, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें यह स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सर्वपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को
पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, वो रजोगुण युक्त हो जाता है। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है, ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं, इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी है। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से आप परिचित हो जाओगे, ये पूरी सतीथि आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए हैं, ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं। 7 संख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले, ये अलग से ये दिखाई देती है। और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें, अब ये 3 भगवान समझवाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण ब्रह्मांड। अपने आत्माओं, ये है यह अध्यात्म ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये दंत कथा सुना रहे हैं हमारे को, इनको कह कह का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु स्पष्ट लिखे, एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व वन्य परमात्मा इति उद्धारते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16, 15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च, सर सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्यते। यानी इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं, ये 2 भगवान हैं इस लोक में, और इनके और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके सथूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीव आत्मा, आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का हम 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, 2 प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरम आविश्य विवृति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है, और है,
पंद्रहवें का सत्रहवां स्पष्ट कर रहा है और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयमावश्य वृत्ति जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पूरी आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़ उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो ऊपर जड़ हैं वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक बार चित्र को, आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है और नीचे तीन गुण रूपी शाखा है। बाकी के बारे में बताया कि इस पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं, यो काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि तीन परमात्मा सर्वपुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, ओह उसे न्यून देवगण हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि जो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः या कोई भी मंत्र, इस जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण मां मनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं पुनरावर्ती में, यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुतम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 16-17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया
कि आप जी ने सातवें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे धातुओं को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने तीन प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का सर्वपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है, ओम डिक ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, उस परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये तीन मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, उसका तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये, यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सत्य भी सांकेतिक है परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। तीन प्रकार से इनकी साधना होती है, त्रिविध समर्थ है, तीन प्रकार से इसका सिमरण होता है। अपुणात्मा आप आसानी से समझ लोगे कि ये संत कहाँ खड़े हैं, आपको ये कहाँ डुबो रहे हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये सारे दंत कथाएं हैं। इनके पास किसी के पास भी तत्व ज्ञान नहीं और मोक्ष मार्ग नहीं है, ये इस मानव मात्र के ये नाशक हैं।